सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। सो गाइज, आज टाइल लगनी भाई सीढ़ी पे भी स्टार्ट हो चुकी है हमारे, और मैं और ये जा रहे हैं आज काफी दिनों बाद भाई पहाड़ों में घूमने और मत्था टेकने वीरवार को। और बहुत है, बाकी जाते जाते बात करते हैं भाई, मजा आ जाएगा आज पहाड़ों में। मेरे को वैसे भी अभी लास्ट एक दो दिन पहले कसौली घूम के आया था, आज फिर जा रहा हूँ भाई, बड़ा मन लगता है पहाड़ों में। गाइस गर्मी बहुत है भाई इधर, तो उधर जाके देखेंगे कैसा माहौल है। और हमारे यहाँ से सिर्फ 2-3 किलोमीटर से भाई पहाड़ इतने सुंदर सुंदर स्टार्ट हो जाते हैं ना, लाइक मजा आ जाएगा भाई। सबसे पहले एक दोस्त के पास रुकते हैं, टीचर दोस्त है, सड़ा हुआ बहन, सॉरी गाली नहीं निकालूंगा, मतलब बड़ा सड़ा हुआ दोस्त है भाई, कुछ भी नहीं, चाय पानी कुछ नहीं पूछेगा, बस काम तक मतलब है, काम करवाएगा अपना और आगे भेज देगा हमें। चलो कोई बात ही नहीं है भाई, देख के निकाल भाई, चल चल चलो निकल जाती यार, चल अब इसके बाद चल 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 चल, इधर भी देख ले एक बार, चल बहुत है। गाइस स्टार्ट हो चुका है भाई रास्ता अपना फेवरेट, इन्हीं रास्तों के बारे में बात कर रहा था भाई, देखो कितने ठंडे ठंडे रास्ते हैं, देखो बहुत ठंडे, अभी तो पहाड़ आएंगे, अभी पहाड़ नहीं है ये, बिल्कुल प्लेन है, बट छाएं आ चुकी है, पेड़ पेड़ है, जंगल है दोनों तरफ भाई, आगे जाके पूरा जंगल है। रेडी हो भाई देखने के लिए व्यू, देखो अब देखो भाई जंगल है दोनों तरफ, जंगली जंगल है, और बीच में भाई जा रहे हैं हम, और सड़क जा रही है, सिंगल सड़क है, कोई बाइक कोई इंसान तक नहीं दिख रहा। आगे पीर जी का स्थान है यहाँ पे, वहां पे मत्था टेकने जा रहे हैं, और पहाड़ भाई आगे दिखाता हूँ, यहाँ से पहाड़ दिख नहीं रहे क्योंकि पेड़ है, बाकी पहाड़ स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे बहुत फर्क है भाई, ठंडा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद, हमारे उधर से तो काफी फर्क है, हालांकि 4 किलोमीटर दूर है, 3-4 किलोमीटर, देखो नदी में नदी क्रॉस करके जाना पड़ेगा, ये नदी है फिलहाल, यहाँ पे पानी है नहीं, सूखी हुई है, आया होगा यहीं पे थोड़े दिन पहले, क्योंकि आप रेत देख सकते हो। चल भाई फंस गई इसकी बाइक, ये देखो नदी है ये दोनों तरफ, इधर से आ रही है इधर को जा रही है, चल 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 भाई फंस गए, मोटरसाइकिल चल चल क्या कर रहा है ये, चल भाई बच गए, कहाँ से सिंपल रास्ता था बिल्कुल, चल भाई भाई। तो गाइस पहुंच चुके हैं भाई पीर जी के स्थान पे, यहाँ पे मत्था टेकते हैं, और बाल छपरियों जैसे हो चुके हैं, सीधे खड़े भाई, थोड़े नीचे रहने चाहिए। चलो भाई यहाँ पे भी सुकून अलग ही मिलता है, काफी टाइम बाद आए हैं, पहले हर हफ्ते बाद आते थे, अब तो आए हैं हम कम से कम भाई 2 महीने हो गए होंगे अप्रोक्सीमेटली भाई, 2 महीने बाद। अब देखो पीछे को रास्ता, कितना सुकून है भाई यहाँ पे, हाथ धुले। सो गाइस मत्था टेक लिया भाई, और ये बिल्कुल पहाड़ों के बीच में है जगह भाई, ये पीर बाबा जी की, और हमें प्रसाद में मिली है भाई बर्फी ना, मजा आ गया, बहुत स्वाद है यार। तो गाइस इधर है पहाड़ सारे भाई, दिख नहीं रहे यहाँ पे, आई डोंट नो क्यों भाई, अभी क्योंकि पेड़ ज्यादा हो चुके हैं भाई, बट 2 महीने में इतने पेड़ कैसे हो सकते हैं, पहले तो दिखते थे इस साइड भाई पहाड़, अभी नहीं दिख रहे, अब नजर ही नहीं आ रहे, झाड़ियाँ काफी हो चुकी हैं ना यहाँ पे, काफी झाड़ियाँ हो चुकी हैं, बट मजा आता है भाई ऐसी जगह पे आके ना, हर वीरवार मेरा स्पेशल होता है भाई, स्पेशल इसीलिए होता है क्योंकि मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ आके ये सुकून जो पहाड़ों का और मत्था टेक के दरगाह पे, लाइक काफी सुकून मिलता है भाई, काफी ज्यादा सुकून मिलता है। चलो अभी ये कही भाई रोकने के लिए खड़े हैं भाई, ये गुंडे हैं, लड़ाई चलती है, लड़ाई उनकी भाई लग रहा है मेरे को, बच्चे लड़ रहे थे। एंड गाइस अभी ना एक दोस्त से मिलना था भाई, हमने जो आते हुए भाई उसको कॉल करी, मेरे को कहता पहले बात समझो भाई, काम भी उसका और गांव में भी मैं उसके आया हूँ भाई, और काम कहता बहुत ज्यादा जरूरी है, जब उसके घर पहुंचा कहता भाई मैं तो नहा रहा हूँ चले जाओ, इतना फुद्दू दोस्त किसका होता है भाई, देखो उसी के काम के लिए उसके गांव में आके उसको बुला रहा हूँ, और मुझे बोल रहा है मैं नहा रहा हूँ अभी नहीं आ सकता जा, क्या छोड़ो क्या गाली दोस्त। सो गाइस जिस दोस्त ने मना किया था उसको एक बार फिर कॉल करते हैं, ये सामने वाला घर है उसका,
ये वाला, हाँ भाई आ जा इधर, उसकी टेलर की शॉप है, उसकी घर में ही है भाई, उन्होंने किराए पे दी हुई है ये वाली शॉप, यहाँ पे रुकते हैं फिलहाल। टेलर साहब, सो गाइस बॉडी बिल्डर की चेस्ट देख रहे हैं भाई, 80 सेंटीमीटर है ना ये, 32 इंच है भाई, 32 इंच इतनी मेरी, इतनी मेरी लेग्स हैं भाई, शर्ट लगा ले ठीक है। सेम ही है, मैं 24 देखा तेरी छाती में गए, चेस्ट तो मेरी हो गई भाई, कितनी है, 40 इंच। चलो गाइस निकलते हैं भाई, ये कर रहा है भाई फुद्दू बंदे, सबसे बड़ा फुद्दू है तू, कॉल उठा रहा है ये, चुतिए जा रहे हैं हम भाई, चुतिए चुतिए भाई। किचन की फिटिंग स्टार्ट हो चुकी है मोस्ट प्रोबेबली, बस नीचे टाइल लगेगी, भैया का तो काम हो चुका है, लकड़ी वाला टाइल वाला रहता है, टाइल वाला पता नहीं कब आएगा। अब ये आ चुकी है पेंट्री हमारी भाई किचन के लिए, और ये सारा सामान रेडी पड़ा है, बॉक्स वगैरह नीचे के देख रहे हो, तू भी लग जा भाई, इसको भी रख लो भैया अपने साथ, इसको काम सिखाना है लकड़ी का। अच्छा ऐसे रहेगा ये, देखो यहाँ से गया था भाई अपने दूसरे घर पे, तो सीढ़ी पे सिर्फ एक टाइल लगी थी, अभी देखते हैं जाके कितना काम हो चुका है, अप्रॉक्सीमेटली 4-5 घंटे तो हो ही चुके हैं मेरे को, चलो देखते हैं कितना बचा और कितना हो चुका है। सो गाइस वैसे अभी लुक देखो ये घर की, काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, जैसे वॉशरूम की टाइल वगैरह लग चुकी है और ऊपर पुट्टी वगैरह हो चुकी है। अच्छा जी, 2 स्टेप लगे हैं भाई, भैया 2 स्टेप लगाए हैं भाई सिर्फ 4 घंटे में, ओह माय गॉड। मैं यहाँ पे काम देखने आया था बट खुशी नहीं मिली देख के भाई, बाकी सुंदर लग रहा है वॉशरूम का, मेरी पसंद की टाइल थी वॉशरूम वाली भाई, और सीढ़ी का भी ब्लैक है बिल्कुल, ये देखो ये भी सुंदर लग रहा है। तो वैसे देखते हैं, भैया बोल रहे हैं कि शाम तक सीढ़ी फाइनल हो जाएगी, साथ ही साथ ये काट के लगा रहे हैं यहाँ पे, बाकी हो तो जानी चाहिए क्योंकि इस घर में परसों करवाएंगे फंक्शन, अगर जितनी जल्दी होगा, 6 तारीख को, आज 3 तारीख है मे भी, तो 2 ही दिन है बीच में भाई, एक दिन सफाई का लगा लो भाई, एक ही दिन बचा है, तो बस जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी अच्छा है भाई, जंगला वगैरह लग जाएगा सीढ़ी पे। गाइस अभी जस्ट 2 बजे सोया था और अभी 3:10 है, घर पे जो मिस्त्री लगे हैं भाई फर्नीचर का काम कर रहा, उन्होंने उठा दिया, कहते जा भाई सामान लेकर आ, सामान का मौज का जरूरी चाहिए, जरूरी चाहिए भाई, ये काम होता है जब ना घर पे काम चलता है ना, इंसान को नींद भी भाई आराम की, चैन की नींद भी नहीं सो सकता दिन में, तो भाई रात को आए वो ना आए उसकी कोई पता नहीं, अगर दिन में सोएगा तो चैन की नींद नहीं सो सकता भाई इंसान। सो अभी जा रहा हूँ फिर से भाई, एक मेरा दोस्त नहीं कॉल उठा रहा भाई, विक्की आई डोंट नो उसको क्या हुआ, अभी जस्ट मेरे घर से गया है 2 घंटे पहले गया था, 1.5-2 घंटे पहले, मेरे को लगता है सो रहा है, उसको घर जाके उठाना पड़ेगा मेरे को भाई, चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, बाकी गर्मी इतनी होती है ना जैसे गाड़ी में बैठते हैं पसीना देखो हाथ पे भाई, क्योंकि इसका ऐसी गर्मियों में काम नहीं करता और सर्दियों में मार देता है, बर्फ जमा देगा जैसे भाई, गर्मियों में जब चाहिए तब काम नहीं करता। बस गाड़ी यहीं साइड को लगाता हूँ, ये गली जाती है उसके घर को, बुलाने चलता हूँ भाई, गाड़ी यहीं खड़ी कर देंगे साइड पर, अंदर तो जब बाइक नहीं रखती गाड़ी इसीलिए यहीं खड़ी कर रहा हूँ, देख लो गली क्या गली है भाई, देखो एक इंसान ही जा सकता है एक बार में इसमें, घर बंद तो नहीं है उसका भाई। गाइस दोस्त की जिंदगी भाई, आराम करते था ऐसे करता है, यहाँ पे सो रहा था बेचारा आराम से, तो वो गया है उधर उठा दिया उसका मैंने, चलो कोई सीन नहीं है भाई, ये सामान लेने जाना है, ये सरमाइक का उन्होंने मेरे को सैंपल दिया है भाई, मेरे तो खुद गुस्सा आया जब उठाया उन्होंने भाई, अभी क्या करें हमारे काम कर रहे हैं घर पे भाई वो। चलो भाई से निकलते हैं भाई, इनका घर गली जैसा है, जैसे गली नहीं होती कोई, देखो सीधा सीधा और आगे मेन गेट है, अभी नॉर्मली ऐसे लग रहा है कि गली में घर है,
है ना, बट नहीं ये गर्मी गली है, ये रही मेन गली। तो आ जा यार, नींद खराब करने के बाद भाई चलता हुआ बेचारा कहता है मैं फोन साइलेंट करके सोता हूँ क्योंकि फोन आ जाता है। तू फोन साइलेंट कर, चाहे तू मर जा, चाहे तू मर जा तब भी तेरे को उठा लूंगा मैं आके। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम नंदी प्लाईवुड ट्रेडर्स, यहाँ से लेते हैं सामान। चलो गाइस पहुंच लिए, सामान भी ले लिया, अभी इसको किचन दिखाने आया हूँ भाई। ये है पेंट्री भाई, ये लगेगी हमारे घर पे, ये वाली देख अच्छा है, काफ़ी सुंदर है ना यार, ये लगेगी। और ये कितने, इनका क्या प्राइस है यहाँ पे पूछते हैं ना, सेम ही चीज़ है कलर भी है। नहीं नहीं ये कलर ये नहीं है, किचन सेम नहीं है भाई, मैंने देखो पेंट्री का डिज़ाइन दिखाया, बाकी कितनी कितनी चीज़ें अच्छी हैं भाई। ये गैस हम ले सकते हैं यहाँ से, इनका क्या प्राइस है पूछ लेते हैं एक बार। चलो बाकी ये भी है भाई, वैसे छोटा सा काम था भाई, वैसे ऑन कॉल भी ऑर्डर कर सकते थे हम, फिर भी इसको दिखाना था मैंने तो भाई सिस्टम, इसीलिए आया मैं। अच्छा था सुंदर, वही गलत दुनिया आ गई, पीछे जाना था मैं, क्या बंदा हूँ यार मैं भी भाई, क्या बंदा हूँ मैं भी भाई। एक हाथ से घुमा दी। चलो गाइस अभी घर जाके मिलते हैं भाई, काफी लेट हो चुके हैं हमारे, तभी रेस्ट भी करनी है थोड़ी बहुत। I feel fucked up. Bye bye. नदियां को पता ही नहीं भाई कहां कहां से आ रही है।